हमारे सामने ऑनलाइन ठगी का एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां पर साइबर ठगों ने एक युवा वैज्ञानिक को ही ठग लिया। जी हां, ये हैं वो भी युवा वैज्ञानिक जो प्रदेश स्तर पर दो बार सम्मानित किए जा चुके हैं व कई बार जिला स्तर पर भी सम्मानित किए गए हैं। तो साइबर ठगों ने उनको भी नहीं छोड़ा और उनके साथ भी कर डाली ठगी। तो आइए उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की जुबानी, कि क्या था पूरा मामला, कैसे हुई उनके साथ ठगी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उत्कर्ष वर्मा है। मैंने एक अपने प्रोजेक्ट के लिए एक ऑनलाइन ड्रोन मंगाया था, जो मैं आने वाली जो प्रतियोगिता है मैं उसमें भाग लेने वाला हूँ, तो मैं उसकी तैयारी कर रहा था। तो मैंने सोचा कुछ नया इनोवेशन किया जाए, तो ऐसे ही मैं बैठ के घर में मोबाइल देख रहा था, अचानक मेरे से एक मीशो पे सेल चल रही थी, तो मैंने सोचा चलो यार ड्रोन मंगाया जाए, देखो कुछ इससे बनाते हैं। तो मैंने उसको ऑर्डर कर दिया। जब मैंने ऑर्डर किया, 1965 रुपये का एक ड्रोन मैंने उसमें ऑर्डर कर दिया, और वो मैंने 23 अगस्त को ऑर्डर किया था, और मेरे पास वो 29 अगस्त को डिलीवर हो गया। और जब डिलीवरी मेरे पास लेके आया, तो मैंने उसको उसी के सामने ये पैकेजिंग मैंने उसको खोली, और इस पैकेजिंग में मैंने देखा कि इसकी, मैं मुझे लगा कि पहले कि इसके अंदर ड्रोन होना होगा, ज़रूर होगा। पर जब मैंने इसकी पैकेजिंग खोली तो मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। मैंने देखा कि इसके अंदर एक यूज़लेस पैंट मिली, जो मैंने 1965 का मंगाया था, उसकी कीमत 19 रुपये भी नहीं है। मैं जानना चाहूँगा, इस पूरी पैंट को खोल के आप दर्शकों को दिखाएं, तो आप दर्शकों देखें कि कैसे ऑनलाइन ठग के माध्यम से लोग ठग रहे हैं। ये देखिए, पुरानी वो पैंट है जो उत्कर्ष जी बता रहे हैं कि जब मैंने ड्रोन ऑर्डर किया तो मुझे ड्रोन मिलना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह पर उनको एक फटी पुरानी पैंट ऑर्डर के रूप में दी गई। जी, और मुझे इससे, मैंने जब मैंने कंप्लेंट की, एक महाशय बता रहे थे कि मीशो से, मैंने जब कंप्लेंट की उसमें बताया कि 48 घंटों के अंदर होता है, और मैंने एक घंटे के अंदर डिलीवरी पर जा भी नहीं पाया था, तुरंत ही मैंने मैसेज कर दिया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। तो मीशो वालों ने क्या किया, मेरा कॉल इग्नोर करना शुरू कर दिया। तब से कम उसके पास 60 या 70 बार कॉल किया है, माने रखता है कि इतनी बार कॉल किया, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। तो इसको लेकर के आपने कहीं शिकायत करी है, या आगे आपका क्या क्या योजना है, क्या करना चाहेंगे आप? जी, मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट की थी, एक वेबसाइट है ऑनलाइन लीगल इंडिया, जो ऑनलाइन से फ्रॉड होते हैं, तो मैंने उस पर कंप्लेंट ऑनलाइन दर्ज कराई थी, तो उसका भी मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। बाकी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, देख रहा हूँ आप लोगों को। ओके, तो बताया जा रहा है कि आप युवा वैज्ञानिक हैं, तो मैं अपने दर्शकों को ये भी आप जानकारी दीजिए कि आपका किस विद्यालय से आप पढ़े हुए हैं और किस क्षेत्र में आपने युवा वैज्ञानिक के क्षेत्र में काम किया है। जी, मैं RBFC सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर से पढ़ा हुआ हूँ। मैंने एक सीतापुर से एक रोबोट मैंने बनाया है, जो ये रोबोट था मैंने कोविड काल में बनाया था, और ये मैंने खासकर जो हमारे COVID-19 के मरीज थे, मैंने उनकी मदद के लिए बनाया था। पर मैंने सोचा कि चलो आगे ऐसे कार्य करते रहेंगे, पर क्या किया, मेरी जो मनोबल है वो मेरा गिरने लगा। जब ऐसे हमारे साथ ही होगा, हम देश का भविष्य हैं, तो फिर सोचिए अगर मैं ये कदम नहीं उठाऊंगा तो मेरे साथ जैसे हुआ किसी और के साथ हो सकता था, इसलिए मैंने ये कदम उठाने की सोची। जी हाँ, तो आप देख रहे थे कि कैसे महाठगों ने ऑनलाइन ठग के माध्यम से एक युवा वैज्ञानिक को भी नहीं छोड़ा और उनके साथ भी फ्रॉड कर दिया। मैं कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ अनुराग सिंह, iIndia, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए iIndia।